हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में भव्य ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दरबार। तो अभी टाइम हुआ है 5:15 का टाइम हो रखा है, कौन सा 5 का टाइम हो रखा है, और यह हम है इस टाइम पर दिल्ली स्टेशन पर। जो दिल्ली स्टेशन पर देख सकते हो, ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, अभी ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। और अभी इस टाइम पर मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। ये हमारी जो ट्रेन है वो डायरेक्ट टू कटरा है, डायरेक्ट ट्रेन है। और ये देख सकते हो थोड़ी सी बहुत ट्रेन में दिखाना चाहूँगी। ट्रेन हो गई है लेट, और हम लोग कटरा पहुँच गए हैं। हमारी ट्रेन को पता नहीं था ट्रेन लेट हो गई है, मतलब कि उस दिन भारत बंद था तो हम लोग को मालूम नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। और इस टाइम पे देख सकते हैं ट्रेन में लोग अपना टाइम पास किस तरीके से कर रहे हैं। भाव्य की तो हर टाइम ऑल टाइम अपनी पार्टी एंजॉय होती रहती है, हम लोग तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। भारत बंद था तो इस चक्कर में हमारी जो ट्रेन हमें शाम को 6:30 बजे तक कटरा पहुँचाने वाली थी, जो कि अब हमें हमारी ट्रेन चलना ही शायद स्टार्ट 6:30 बजे के बाद चलना स्टार्ट हुई थी। हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था, हम लोगों को पूरा दिन स्टे जो किया है हम लोगों ने ट्रेन में ही किया है, ट्रेन में ही टाइम पास किया है, क्योंकि भारत बंद की वजह से ट्रेन बिल्कुल स्टॉप हो रखी है। तो भव्य की तो यहाँ भी इंजॉय है, उसके पापा उसके लिए पेस्ट्री लेके आ गए थे खाने के लिए स्टेशन से, तो ये देख सकते हो। और ये फाइनली अब शाम का व्यू हो चुका है, 6 बजे के बाद हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए भव्य अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है, उसने मेरी पिन ले ली थी, हेयर पिन, उसी से मस्ती कर रही है। ये आप व्यू देख सकते हो। हमारी जो ट्रेन रुकी थी वो पानीपत के बाद ट्रेन स्टॉप हो गई थी, उस तब तक हमारी ट्रेन चली थी। और ये देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नाइट हो गया था तो नाइट में मैंने ज़्यादा व्यू शेयर नहीं किया है। ये कटरा का ही व्यू है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है ये कटरा का नाइट व्यू। और ये फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो भव्या जी बोल कर रही है कि मतलब मैं मम्मा के साथ ही उतरूँगी, पापा के साथ नहीं उतरूँगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। कटरा स्टेशन का बेस्ट पार्ट जो था वो सबसे अच्छा ये था कि यहाँ पर उतरने के साथ ही मैं कि हम लोग सारे मस्ती कर रहे हैं, जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट जो लगा वो ये था कि सभी पैसेंजर उतरने के बाद सबको एक लाइन में देख सकते हैं, इस तरीके से लाइन बनाकर पूरा एक लाइन से ही आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर कोविड का टेस्टिंग होंगे। तो मैं स्टेशन का व्यू आप देख सकते हो, ये स्टेशन का ही व्यू है, स्टेशन से व्यू से देख सकते हो आप। सामने का जो पहाड़ दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ये पहाड़ है वैष्णो देवी का पहाड़, तो हम लोग को यहीं जाना है। तो आप ये स्टेशन का व्यू देख लीजिएगा, स्टेशन में बिल्कुल लाइन से जाना है, क्योंकि जिनको अगर जिनके पास जो सेकंड लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, इनके पास जो कोरोना की रिपोर्ट्स अपने घर से लेके आए हैं टेस्टिंग की, वो दूसरी लाइन है, जिनकी टेस्ट नहीं हो रखी है। इस लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग अपना टेस्ट करा के नहीं गए थे, तो स्टेशन पर ही आपका कोविड का टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। और रिपोर्ट्स के लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आप जैसे ही टेस्ट करा के जाओगे आपके 5 मिनट के अंदर आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। यहाँ पर मेरी सिस्टर का कोविड टेस्ट हो गया है, ये मेरे हस्बैंड का भी कोविड टेस्ट हो गया, मुझे कोविड टेस्ट का डॉक्टर लगता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा भी कोविड टेस्ट हो चुका है। अभी यहाँ से हम लोग आगे की प्रोसेस के लिए जाएंगे। आप यहाँ पे कहीं भी रूट डाइवर्ट नहीं कर सकते हो, पूरा एक उन लोगों ने पूरा एरिया इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको टेस्ट करा के बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पे सभी लोग अपने कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स यहाँ पे हम लोगों की भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, तो ये हमारी रिपोर्ट्स आ गया। ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। और सबसे अच्छा वट कटरा का जो स्टेशन था वो बहुत ही नीट एंड क्लीन था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंकल से पूछ रहे थे, ये भैया जो खड़े होते पुलिस वाले, उन्हीं से पूछ रहे थे, थोड़ा सा नॉलेज ले रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी माता रानी की जर्नी, तो आपको यहाँ का व्यू दिखा देते थोड़ा सा। तो हम लोग करने वाले हैं अपनी पैदल यात्रा, तो हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। जहाँ पे आपकी जो यात्रा पर्ची आपके पास है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती बताती रहूँगी जितना जितना मुझे मालूम रहेगा। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ से एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग एंट्री है, तो यहाँ से एंट्री हो जाती है। भाग्य बोली तो मुझे पापा के साथ जाना है, वो भी थोड़ा थोड़ा क्राइम कर रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स वाले CRPF के भैया थे वो उसको बोलते हैं, बच्चे रोते नहीं है,
देखो वो उसको बोल रहे हैं कि रोती नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया है यात्रा पर्ची से, अंदर से एंट्री हो गई, यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, आपको यहाँ पे कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से खच्चर भी मिल जाते हैं इनके भी, आप चाहो तो इनके साथ भी आप यात्रा कर सकते हो, इनके ऊपर चढ़ाई, ये हेल्प करते हैं आप लोगों की चढ़ाई के लिए। देख सकते हो इनकी कॉस्टिंग 1600 से अबव ही होती है, मतलब 1650 रुपये से आपको स्टार्टिंग होती है यहाँ से चढ़ाई के लिए, अर्धकुमारी तक मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क वगैरह वैसे तो ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना कोरोना का नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी रखते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ अगर यहाँ पर जाते हो ट्रैवल करते हो तो बच्चों के लिए जो ट्रॉली जिस टाइप से दिख रही है उस टाइप से भी आपको यहाँ पे इजीली मिल सकती है, और इसकी कॉस्टिंग भी 300 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने भाव्या के लिए नहीं की थी, क्योंकि भाव्या काफ़ी हैप्पी थी और वो चलने की कंडीशन में थी, मतलब बोल रही थी कि मतलब मैं चल सकती हूँ, तो हम लोगों ने ही किया। अब माता रानी के दरबार में आया तो व्यू तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जयकारा वगैरह तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो हम लोगों ने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी, आपको थोड़ा थोड़ा व्यू हम लोग यहाँ से आपको दिखाते रहेंगे चढ़ाई का। और चढ़ाई का ये है कि स्टार्टिंग में जब आप चढ़ाई करते हो तो चढ़ाई थोड़ी सी आपको खड़ी मिलेगी, अदरवाइज़ अर्धकुमारी तक आपको पहुंचने के बाद चढ़ाई आपकी मतलब ठीक हो जाती है, इतनी ज़्यादा खड़ी नहीं होती है। और थोड़ा सा मतलब उसमें ये सब लोग भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं जो साथ में खच्चर वगैरह चलते हैं, और ये लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि रास्ता एक ही होता है। और अदरवाइज़ व्यूज़ आप देखिए, बहुत ही अच्छा व्यूज़ है यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे आपको। और यात्रा में आप लोग को इजीली खाने पीने के लिए सब कुछ मिल सकता है, कुछ कुछ चाव प्रसाद वगैरह आप नीचे से ही परचेज़ कर सकते हो प्रसाद वगैरह, और आपको ऊपर भी मिल सकता है प्रसाद। तो ये व्यू देखिएगा एक बार ही, कितना सुंदर लग रहा है। टाइप का जयकारा और ढोल वगैरह अगर रास्ते में आपको चढ़ाई के टाइम भी मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में जयकारा जो लगाया जाता है माता रानी का, और जो चढ़ाई से आपको जो थकावट फील होती है, लेकिन जयकारा का साउंड सुन के आपको आवाज़ सुन के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती है और काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और थोड़ा सा पॉजिटिव अच्छा लगने लगता है। ये हमारी आधी यात्रा हो चुकी है, अभी हम लोग अर्धकुमारी के मंदिर तक पहुँचने वाले हैं, वहीं का व्यू है ये अर्धकुमारी के लिए, यहाँ से टर्न हो जाते हैं देख सकते हो। और ये पॉइंट आप व्यू देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ों का, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। मैं अपना सच में रियली बताऊँ तो ऐसा लग रहा था जन्नत जो बोला जाता है ना वो सच में बोला जाता है। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, कितने सुंदर व्यू लग रहा है, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके थे इस टाइम पर, देख सकते हो। हेलो माई फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर अर्धकुमारी मैया के दर्शन यहाँ पे कर लिए हैं, यहाँ पे गुफा भी है तो यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अभी हमें वैष्णो देवी मंदिर जाना है तो उसके लिए भी आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा रास्ता बाकी है। तो एक बार ही मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। और मंदिर में बहुत अच्छा लगा, बट मोबाइल वगैरह वहाँ पर अलाउड नहीं था सो अंदर नहीं ले जा सकते थे। एक बार मैं यहाँ का आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर बैठी हुई है, वो सॉक्स शूज़ पहन रहे हैं। तो आप देख सकते हो पूरा कितना सुंदर ब्यूटीफुल, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में ही आ गया। तो यहाँ से रास्ता जो देख रहा है वो है वैष्णो देवी जाने का, तो अभी हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। हमारी आधी यात्रा हो चुकी है, इस टाइम पे हमारी आधी यात्रा हो चुकी है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की अपडेट हमें आपको। अगर साथी में जो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको अपना अगर होटल बुक वगैरह नहीं करना है, बुकिंग वगैरह नहीं करना है, तो यहाँ पे लगेज वगैरह अपना सामान जो लेके आते हैं उसको रख सकते हो। यहाँ पे क्लॉक रूम्स वगैरह है, वो मैं आपको सामने की साइड दिखा देती हूँ व्यू में, एक बार आप देख लीजिएगा। लगेज वगैरह इजीली रख सकते हैं यहाँ पे, फैसिलिटी उस चीज़ के लिए।
और जितने टाइम बाद जब आप दर्शन करके आ जाते हो माता रानी के, तो वहाँ से आने के बाद अपना सामान। ये है अर्धकुमारी माता के, यहाँ से व्यू देख सकते हो आप। और साथ ही मैं आपके साथ यहाँ से नीचे का व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, पहाड़ के ऊपर है। तो ये देख सकते हो नीचे का व्यू कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देख सकते हो इस तरीके से। तो इस टाइम पे हमारी आधी यात्रा हो चुकी है, आधी यात्रा बाकी है, तो हम लोग आधे वैष्णो देवी के लिए चलते हैं। तो ये है, यहाँ से स्टार्टिंग किया है, अर्धकुमारी से ही स्टार्ट है, ये देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सरफेस देख सकते हो, फ्लोर का काफ़ी अच्छा सरफेस है। तो इस तरीके के सरफेस पे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा हाइट वाला होता है, खड़ी चढ़ाई वाला होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आधी चढ़ाई तो खड़ी चढ़ाई वाली थी, वो आधी हो चुकी है इस, लेकिन जो आधी चढ़ाई बची है उसका सरफेस काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा हिल वाली चढ़ाई वाली नहीं होती है, तो ईजीली आप इसमें चढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हमारी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई रह गई है, बाकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाती हूँ एक बार, यहाँ का व्यू कैसा है। और यहाँ पे धर्मशाला भी है, जहाँ पे रुकने का आपको रूम वगैरह भी मिल सकता है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो इजीली। मंदिर से पहले ही मिलती है ये धर्मशाला, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फाइनली हमारा जो वॉकिंग का डिस्टेंस था वो कम हो गया, ख़त्म हो गया हमारे लिए। मंदिर पहुंच चुके हैं, या व्यू देख सकते हो पीछे की साइड में, यहाँ पर ये जो रोपवे जा रहा है और जो रोपवे आ रहा है, ये आपको भैरव बाबा की यात्रा के लिए होती है, क्योंकि वैष्णो देवी से भैरव बाबा की यात्रा 2 किलोमीटर का से ज़्यादा होती है। तो आप उसके लिए रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हो, खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो पैदल भी यात्रा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ से टिकट इसका होता है, वो आपको परचेज़ करना। दर्शन करने हैं, तो इसके लिए हमें अपने लॉकर रूम में जो हमारा बैग है, जो लगेज है, थोड़ा सा सामान हम लेके आए थे साथ में, और शूज़ वगैरह हमें रखने पड़ेंगे, और साथ में सेल फोन वगैरह कैमरा वगैरह वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये सब रखने पड़ेंगे। तो हम लोग आपसे मिलते हैं माता रानी के दर्शन के बाद, बाय, जब तक टेक केयर। तो ये देख सकते हो, ये है माता रानी का भवन, और यहाँ का व्यू देख सकते हो इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। तो अभी हम चलते हैं क्लॉक रूम में, पहले अपना सामान रख के आते हैं। ये लॉकर रूम जाने का रास्ता है, चलो। हमारी अभी इस टाइम पे वैष्णो देवी के दर्शन हो चुके हैं, और साथ ही में शिव गुफा के भी दर्शन हो चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं भैरव बाबा की यात्रा के लिए, तो आपको भी वहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे हम लोग, तो साथ में बने रहिएगा। ये है भैरव बाबा के लिए रास्ता जाता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खड़ी वाली चढ़ाई है एकदम। तो भव्य के लिए तो हम लोगों ने जो वॉकर टाइप का होता है वो कर दिया है, वो तो आराम से जा रही है। ये देख सकते हो आप नाइट व्यू, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। भैरव बाबा की यात्रा हम लोगों ने जल्दी ही कंप्लीट कर ली थी, 1 ही घंटे में हमने भैरव बाबा की यात्रा चढ़ाई कर ली थी पूरी, क्योंकि भव्य भी सो चुकी थी, तो हमें उसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वैसे भी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस टाइम पर हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं, ये वहाँ पर भगवती थी जो मिलती है वहाँ से लगा जाती है, तो वही हमें भव्य को लगाई थी। देख सकते हो नीचे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये हम लोग अब नीचे उतरने वाली जो चढ़ाई है वो आपको दिखा रही हूँ। हम लोगों ने चढ़ाई, हम लोगों के दर्शन वगैरह सब कुछ अच्छे हो गए हैं। ये अर्धकुमारी माता का मंदिर है, जो नाइट में आप व्यू देख सकते हो इस तरीके से। हम लोगों ने नाइट में ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और भव्य ऑलरेडी स्लिप सो चुकी थी इस चक्कर में। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई। जय माता दी।